और अब खबर दूदू से, जहां दूदू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जड़ावता में एक दलित परिवार के साथ सरकार के नुमाइंदों ने ही नियमों को ताक पर रखकर निर्माण पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद दलित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। लेकिन इस दलित परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित पूरन बलाई ने बताया कि उसके पास ग्राम पंचायत का 1990 का जारी किया हुआ पट्टा है, इसके बावजूद उसका आशियाना उजाड़ दिया गया। जब अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। खास बात है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी सरकारी नुमाइंदों ने गरीब का आशियाना उजाड़ दिया। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सबसे खास बात है कि इलाके का विधायक भी दलित समाज से है, इसके बावजूद गरीब परिवार की सुनवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जी जगह के ऊपर में रह रहे हैं, अभी ठोड़ मांग 40 साल से आबादी जगह में रह रहे हैं, और इंद्रावास को मकान बने हुए पट्टो है, ग्राम पंचायत पट्टो दे रखी जमाने 1990 के महीने बी के बावजूद भी सांकुन से ममाना रोड को नाम ले प्रशासन अधिकारी और कह जगह ये लोग ऐसी का अतिक्रमण कर रखे है रोड के ऊपर, तो प्रशासन अधिकारी मौजूदगी पर आज सरपंच सेक्रेटरी तहसीलदार सब लोग आर जबरन शु बाडा में नाड़ो काट दिया मांगे और मन परेशान कर रहा है कि एसी का लोग जो तो था ऑर्डर विभाग अधिकारी भी बने काम में। मैं ग्राम पंचायत द्वारा पानी के निकास को दुरुस्त करने के लिए विकास करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को साफ किया है, मुक्त किया है। उसमें उसने ग्राम पंचायत ने पुलिस जाब्ता और प्रशासन मांगा, तो उसमें तहसीलदार दूदू और SHO नरेना उपस्थित रहे। प्रार्थी का ये कहना है कि उसकी पट्टे की भूमि में से अतिक्रमण हटाया गया है,